हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं पहला लेक्चर फाउंडेशन स्टैंडर्ड 9th फिजिक्स का। स्टूडेंट्स 8th क्लास में कुछ मोशन का पार्ट पढ़े थे, आज हम स्टार्ट करते हैं मोशन। टाइप्स ऑफ मोशंस रिलेटेड क्वांटिटीज एंड देन अपना नेक्स्ट पार्ट होगा लॉज ऑफ मोशन, देन वर्क पावर एनर्जी एंड सो ऑन। फिर भी आज स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोग्राम मोशन। तो पहला पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट, मोशन व्हाट इज मीन बाय मोशन। आप सबको पता है पोजीशन, व्हाट इज पोजीशन और किसका होता है। आपको पता है कि प्लेन में एक पॉइंट है ए, दूसरा कोई पॉइंट होगा बी, सी, डी एंड सो ऑन। इसको तो हम सिर्फ पॉइंट बोलते हैं और आप अच्छे परिचित है पॉइंट्स एंड सो ऑन। जैसे आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है जिसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। पता है यहाँ पे कोई पॉइंट होगा पी तो उसके कोऑर्डिनेट आते हैं एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 2, तो ये पी पॉइंट है। ऐसे कई सारे पॉइंट होते हैं, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 4 एंड सो। तो इस प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, पी क्यू आर ई एस ए बी सी व्हाट एवर यू लाइक, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स देयर। तो ऐसा कोई पॉइंट होगा ए, इन अ प्लेन होगा, स्पेस में होगा, पर ये सिर्फ पॉइंट है और हर एक पॉइंट को अपने कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी होता है। अब इस पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी होगा, ये सिर्फ पॉइंट्स है। अब इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई पार्टिकल होगा, कोई बॉडी होगा और यहाँ पे आके बैठ गया। मैंने बोला कि भाई ये ऑब्जेक्ट है और ये कहाँ पे है देख के आओ, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे चलते चलते पॉइंट ए पे आ गया, और जब वो पॉइंट ए पे था तब टाइम हो गया होगा T1। तो अब इस पॉइंट को बोलते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम T1। तो पोजीशन ये जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स और रिलेटेड टू टाइम होता है। पोजीशन किसका होता है, तो ऑब्जेक्ट का होता है। कब होता है, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे पॉइंट ए अब उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बन गया एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम T1, तो आप बोलोगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम T1 इज ए। थोड़ी देर के बाद आपका ऑब्जेक्ट वहाँ से निकला और यहाँ पे के बैठ गया। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, एक आधा बर्ड होगा, पहले यहाँ पे था बाद में यहाँ पे जाके बैठा, और यहाँ पे बैठा तो एट दैट टाइम टाइम टी हो गया T2। तो अब उस पॉइंट बी को बोलोगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम T2। ज़रा ध्यान से सुनो, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम T2। थोड़ी देर के बाद आपका ऑब्जेक्ट वहाँ से निकला और पॉइंट सी पे जाके बैठा होगा और तब टाइम हुआ होगा T3। तो इट इज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम T3। क्लियर? तो व्हाट इट मीन बाय पोजिशन किसका होता है, द पॉइंट इन अ स्पेस एट वेयर एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम। तो पोजिशन एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, टाइम पे डिपेंड होता है, अलग अलग टाइम के पोजीशन अलग अलग हो सकते हैं।
जैसा मेरा कोई ऑब्जेक्ट है स्पेस में से घूमते 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 यहाँ पे बैठ गया और इस पॉइंट ए था और यहाँ पे टाइम हो गया टी वन, तो इसको बोलूँगा पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी वन। तो आपका ऑब्जेक्ट रेज पोजिशन ए पे है और कब है बेटा, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी वन, तो व्हाट इज ए, तो अब बन गया पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी वन, कोई प्रॉब्लम, गुड। तो पोजीशन क्लियर हो गया। अब चलो आपका कोई ऑब्जेक्ट है और हमको मिला पॉइंट ए पे, कब मिला था, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी वन। अब आपको पता है टाइम ऑलवेज इंक्रीज होता है, टाइम कभी कांस्टेंट नहीं होता है, तो टाइम टी वन पे ऑब्जेक्ट ए पे था, तो भाई ए पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी वन। अब टाइम बढ़ते जाएगा टी टू टी थ्री, भाई मान लो सवेरे 7 बजे हैं, तो 7 AM भी वहाँ पे था, 7:30 भी वहाँ पे था, 8 बजे भी वहाँ पे था, 8:30 9:30 वहाँ पे था। तो टाइम बढ़ते जा रहा है टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स एंड सो ऑन, और आपका ऑब्जेक्ट वहाँ पे ही है, तो बताओ ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या। एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी वन उसका पोजीशन ए है, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी टू भी उसका पोजीशन ए है, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी थ्री एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी फोर सभी टाइम पे उसका पोजीशन सेम है। इसका मतलब टाइम तो बढ़ रहा है पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंट है। तो मैं बोलूँगा वेन देर इज नो चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। वेन देर इज नो चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो मैंने पूछा किसी ऑब्जेक्ट को किसी बॉडी को एट रेस्ट कब बोलोगे, वो रेस्ट में कब होता है, तो आप बोलोगे कि वेन देर इज चेंज नो चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई प्रॉब्लम, गुड। तो आपने देख लिया व्हाट इज मीन बाय पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और वेन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एट रेस्ट, कोई प्रॉब्लम, गुड। अब चलो भाई आपका ऑब्जेक्ट पोजिशन ए पे था, कब था, तो एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी वन। अब टाइम तो बढ़ते जाएगा, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट पोजिशन बी पे चला गया एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी थ्री, बाद में पोजिशन सी पे गया एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी थ्री, थोड़ी देर के बाद टाइम हो गया टी फोर, ऑब्जेक्ट आपका डी पे चला गया, उसके बाद में टाइम हो गया टी फाइव, ऑब्जेक्ट ई पे चला गया। इसका मतलब देर इज कंटिन्यूस चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम भी चेंज हो रहा है, बदल रहा है, इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, और टाइम के साथ साथ उसका पोजिशन भी चेंज हो रहा है। इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट पोजिशन ए पे था और टाइम टी वन था, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी टू पोजिशन बी हो गया, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी थ्री पोजिशन सी हो गया एंड सो ऑन। तो देर इज कंटिन्यूस चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इन मोशन, तो वेन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एट रेस्ट एंड वेन इट वन इन मोशन। तो जब उसका पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है, कॉन्स्टेंट होता है, टाइम चेंज होगा टी वन टी टू थ्री टी टी फोर, पर पोजिशन सेम ही है, तब आपका ऑब्जेक्ट होता है एट रेस्ट। एंड व्हेन देयर इज कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इन मोशन, कोई प्रॉब्लम। तो बच्चों क्लियर हो गया व्हाट इट मीन बाय पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इन मोशन, एंड व्हेन इट वन कॉल्ड एज एट रेस्ट, कोई प्रॉब्लम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका एक तो रेस्ट में होता है या मोशन में होता है, तो उसको रेस्ट में कब बोलोगे, जब उसका पोजीशन कांस्टेंट होता है, नो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब वो रेस्ट में होता है। एंड व्हेन देयर इज कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वाटर में भी द पाथ, पर कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन विद देन इट इज कॉल्ड एज इन मोशन,
अब हम बात करते हैं लिनियर मोशन। मेरा ऑब्जेक्ट है पोजीशन ए पे था, कब था, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम टी वन, थोड़ी देर के बाद टाइम हो गया टी टू, वो पोजीशन बी पे गया, बाद में पोजीशन सी पे गया, उसके बाद पोजीशन डी पे गया और जा रहा है, और उसका जो मोशन हो रहा है इसका मतलब, क्योंकि देर इज़ कंटिन्यूस चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देर इज़ कंटिन्यूस चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है, और उसका जो मोशन हो रहा है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ हो रहा है, अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन। What is mean by linear motion of an object? The motion of an object along a straight line path. The motion of an object along a straight line path is called as linear motion. चलो भाई linear motion भी clear है। अब linear motion में related कुछ concept आते हैं, थोड़ा discuss करते हैं about motion। भाई मैंने बोला मोशन आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, किस पे डिपेंड होता है, एक एग्जांपल देता हूँ। भाई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्टूडेंट होगा, कोई बच्चा है और यहाँ पे खड़ा है, अभी खड़ा है तो एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी वन वो इस पोजीशन ए पे है, मतलब वो रेस्ट में, टाइम टी टू पे भी वहाँ पे छे, टाइम टी थ्री, टाइम टी फोर, टाइम इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, पर वो वहाँ पे पोजीशन ए पे, अर्थात देर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इसका मतलब वो अच्छा रेस्ट में, कौन देख रहा है, मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, या फिर यहाँ पे कोई बच्चा दूसरा है वो उसको देख रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर, जो एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्वेशन लेता है वो ऑब्जर्वर है। इसको बोला भाई इस पे ध्यान रखो, वो मैं एक रिपोर्ट दे दो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, तो किसने हमको फ़ोन कर दिया कि भाई सर वो बच्चा पोजीशन ए पे है और टाइम टी वन में भी वहाँ पे छः, टाइम टी टू में भी वहाँ पे छः, टाइम टी थ्री पे भी वहाँ पे था, इसका मतलब उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो रेस्ट में है। किसने देखा, ऑब्जर्वर, समझा। अब वही बच्चा थोड़ी देर के बाद, चलो ये यहाँ पे छः, दूसरा कोई बच्चा है बीच और वह साइकिल लेके आया, और वो साइकिल से इधर जा रहा है, पहले वो पोजीशन बी पे था, बाद में पोजीशन सी पे गया, बाद में पोजीशन डी पे गया, पोजीशन ई पे गया, टाइम टी वन, टाइम टी टू, टाइम टी थ्री, टाइम टी फोर, तो बताओ ये रेस्ट में है कि मोशन में, तो ये तो उसके व्हीकल पे है और व्हीकल लेके जा रहा है, कंटिन्यूस चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। किसने देखा, ये ऑब्जर्वर ने देखा, तो ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर रेस्ट में है, और ये ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर मोशन में है, क्लियर। तो ये रेस्ट में है कि मोशन में है, कौन देखता है, ऑब्जर्वर। अब चलो ये ऑब्जर्वर जो है इसके साथ ही जाके उसके साइकिल पे बैठ गया, मेरी बात समझा। अब बताओ ये जो ऑब्जेक्ट बी था विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, हालांकि ये साइकिल मोशन परफॉर्म कर रहा है, कौन देख रहा होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है वो देख रहा होगा, पर ये अगर ऑब्जर्वर इस व्हीकल पे जाके बैठता है तो ये साइकिल जो चला रहा है वो बच्चा उसको मोशन में देखेगा कि रेस्ट में देखेगा, बेटा रेस्ट में। और एक बात बताता हूँ भाई, ये बस है और इस रोड पे है,
अभी तो पोजीशन ए पे है और वो चल रहा है मोशन में। किसने देखा उसका मोशन? कोई ऑब्जर्वर देखता है। तो उसको ये ऑब्जर्वर एट रेस्ट है, ग्राउंड पे है, और ये बस उसको मोशन में दिखता है क्योंकि उसका कंटिन्यूस पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यही ऑब्जर्वर अगर बस में जाके बैठता है तो उसके विथ रिस्पेक्ट टू इस बस का पोजीशन चेंज नहीं होता है, कोई सेपरेशन चेंज नहीं होता है, तो उसके विथ रिस्पेक्ट टू आपका बस उसको काम ही दिखेगा बेटा रेस्ट में। मतलब वो बस में जाके बैठा हुआ है और बस का कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है उसके विथ रिस्पेक्ट टू। तो उसके अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके विथ रिस्पेक्ट टू बस का कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब बस रेस्ट में होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। और जो ऑब्जर्वर ग्राउंड में खड़ा है, ग्राउंड पे, उसको ये बस मोशन में दिखता है। तो बात ध्यान में रखो, मोशन हमेशा रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। भाई जैसे मैंने बोला ये बस है और ये मैं देख रहा हूँ, तो ये बस रोड पर चल रहा है, और जब मैं देखता हूँ यहाँ पे बैठ के या ग्राउंड पे होगा ऑब्जर्वर, तो उसको ये बस काय में दिखता होगा मोशन में। और वही ऑब्जर्वर अगर बस में जाके बैठता होगा और बस मोशन में है, पर ये ऑब्जर्वर और उसमें बैठ के ये ऑब्जर्वर है और ये बस मोशन में, तो इस ऑब्जर्वर को ये बस आपका रेस्ट में दिखेगा, फिर वो मोशन में नहीं बोलेगा। तो किसी बॉडी का मोशन ऑब्जर्वर कहाँ पे है उस पे डिपेंड होती है। इसका मतलब मोशन रिलेटेड टू ऑब्जर्वर होती है, जो ऑब्जर्व करता है वो बोलेगा कि वो मोशन में है या रेस्ट में। तो ध्यान में आया होगा मोशन हमेशा रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, मोशन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं होता है, अब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मोशन रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान में आया? दोबारा बताऊँ घट, मैं हमको बताऊँ, एक व्हीकल है, साइकिल होगा, और एक बच्चा इस साइकिल पे बैठ के जा रहा होगा इधर। अभी ये कहाँ पे था? पोजीशन ए पे। अब कहाँ पे है? पोजीशन बी पे। अब कहाँ पे गया? पोजीशन सी, पोजीशन डी, पोजीशन ई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। साइकिल का पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसने देखा? ऑब्जर्वर ने देखा होगा, जो रेस्ट में है कहाँ पे होगा? ऑन द ग्राउंड होगा, ऑब्जर्वर है। तो ये साइकिल, ये व्हीकल विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर मोशन में है कि वहाँ पे कंटिन्यूस चेंज हो रहा है इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पर वही ऑब्जर्वर इस साइकिल पे जाके बैठता होगा इस बच्चे के साथ, और आप अगर उस बस को दिखता है तो बस तो वहीं दिखता है उसको, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है क्या विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर? नहीं भाई, यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो पहले उसको साइकिल यहाँ पे दिखा पोजीशन ए पे, कब? टाइम टेबल। बाद में उसको दिखा पोजीशन बी पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बाद में कहाँ पे दिखा? पोजीशन सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके विथ रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूस चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। पर ये ऑब्जर्वर इसी साइकिल पे जाके बैठता है तो बताओ टाइम टी वन पे उसका पोजीशन क्या है? ए, समझा? और टाइम टी टू पे भी जहाँ पे साइकिल है वहाँ पे जो बच्चा है कि नहीं, ऑब्जर्वर बताओ। टाइम टी थ्री पे भी जहाँ पे साइकिल है और वहाँ पे आपका ऑब्जर्वर भी तो है उसके साथ, तो हमको बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर साइकिल है वहाँ पे है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है क्या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? नॉट। हाँ, इसने देखा तो साइकिल का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पर विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर अब साइकिल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये साइकिल विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर रेस्ट में है और विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड वो मोशन में है, समझा? तो मोशन रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहाँ पे है उस पे डिपेंड होता है। चलो ठीक, तो स्टूडेंट्स मैंने बता दिया व्हाट इज मीन बाय पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मतलब क्या होता है और ऑब्जेक्ट इन मोशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद में मैंने बताया मोशन इज द रिलेटिव कॉन्सेप्ट। बात करते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू मोशन। पहली केस आती है डिस्टेंस।
जनरली एक्स और एस से डिनोट करते हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा और वो पोजीशन ए पे था एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी वन। थोड़ी देर के बाद टाइम टी टू हो गया और ऑब्जेक्ट का पोजीशन बी हो गया। थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट पोजीशन सी पे आ गया, टाइम टी थ्री हो गया एंड सो ऑन। किसने ऑब्जर्व किया होगा? ऑब्जर्वर ने। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, विच वन एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड। समझे? चलो ठीक। और उसका मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन पाथ हो रहा है, तो इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। तो पहले आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे था और टाइम टी थ्री पे कहाँ पे चला गया? सी पे। बाद में कहाँ पे गया इसने देखा नहीं, यहाँ तक ही देखा। तो इनिशियली मतलब एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी वन वो पोजीशन ए पे था और फाइनली वो पोजीशन सी पे था एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम थ्री। पोजीशन ए टू पोजीशन सी गया। पोजीशन क्या होता है? पॉइंट ही होता है, मतलब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक गया। अब ये दोनों पॉइंट के बीच में का आपको सेपरेशन मेजर करना है बाय यूजिंग मीटर स्केल। तो कोई मेजर करेगा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। 5 मीटर का सेपरेशन आ रहा है फ्रॉम ए टू सी और आपका ऑब्जेक्ट इसी पाथ पे गया है कि नहीं, बताओ। गुड। तो ये आपने सेपरेशन मेजर करा, इसका मतलब क्या मेजर किया होगा? द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या बोला? इसी पाथ पे आपका ऑब्जेक्ट गया है कि नहीं, बताओ। गया। और ये था सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका मतलब जिस पाथ पे गया उस पाथ का लेंथ आपने मेजर किया। तो द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस कवर्ड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। समझा? कितना हुआ यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट? 5 मीटर। कितना बोला? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर मेजर किया आपने। इसका मतलब लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। दूसरी बात बताता हूँ। सपोज आपका पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इनिशियली पोजीशन ए पे था और यहाँ पे कुछ न कुछ टाइम हुआ था टी वन। थोड़ी देर के बाद आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन बी पे, पोजीशन और कहीं गया और मैं और कहीं गया, सामने गया और सामने गया और फाइनली पोजीशन बी पे आ गया और यहाँ पे टाइम हो गया होगा टी टू। तो आपका ऑब्जेक्ट इसी पाथ पे गया है कि नहीं, बताओ। और इस पाथ का लेंथ मेजर करना है आपको बाय यूजिंग द डिवाइस मीटर स्केल, आप बोलते हैं। और इसका लेंथ मेजर करो, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस कवर्ड। कितना टाइम लगा होगा उसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए? यहाँ पे टी वन इतना टाइम हुआ था, सपोज यहाँ पे 7 AM हो गया और यहाँ पे 10 AM हो गया, तो 7 AM टू 10 AM जाने के लिए टाइम कितना लगा होगा? 10 माइनस 7 दैट इज 3 AM, 3 आवर्स सपोज। तो इसको मैं बोलूँगा टाइम टी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपके ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा होगा? टी आवर्स सपोज। तो व्हाट इट मीन बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड? जिस पाथ पे आपका ऑब्जेक्ट चलता है उस पहले कहाँ पे था वो देखो, फाइनली कहाँ पे गया वो देखो, और इनिशियल पोजिशन फाइनल पोजीशन दोनों के बीच में का सेपरेशन मेजर करो। इसका मतलब लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड आपने मेजर किया और दिस लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट वन कॉल्ड एज डिस्टेंस कवर। तो इस लीनियर मोशन में लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस कवर। अब डिस्टेंस है, लेंथ है, और लेंथ फिजिकल क्वांटिटी कायम मेजर करते हैं, तो आप सबको पता है इसके SI यूनिट आते हैं बेटा मीटर, और CGS यूनिट आते हैं सेंटीमीटर। तो ये होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, अर्थात आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब जो आप मेजर करते हैं वो मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन क्लियर है, एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ए डिस्टेंस कवर। तो लीनियर मोशन में यस नोटेशन है,
ये यूनिट्स आते हैं, ये SI यूनिट मीटर होता है और CGS यूनिट सेंटीमीटर होता है। बाद में बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी तो लिख देता हूँ यस बार, बता देता हूँ बारी बार। वही एग्जांपल है, आपका ऑब्जेक्ट पहले पोजीशन ए पे था और फिर चलते चलते यहाँ पे गया, यहाँ पे गया और सामने गया और सामने गया और फाइनली पोजीशन बी पे आ गया। ये था उसका इनिशियल पोजीशन, ये था फाइनल पोजीशन, और गया कहाँ से, निकला ए से, किधर गया बी तक। तो एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आप मेजर करोगे बाय यूजिंग मीटर स्केल, तो उसका डिस्टेंस कवर्ड मतलब लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड कितना था बेटा, यस सपोज मीटर में मेजर किया होगा तो ये डिस्टेंस कवर्ड था, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज डिस्टेंस कवर्ड। पर साथ में मैं बोलता हूँ कि आपका बच्चा ऑब्जेक्ट उसका जो मोशन हुआ है डायरेक्शन ऑफ मोशन भी एक्सप्लेन कर दो, तो मैं बोलूँगा वो पोजीशन ए से निकला और पोजीशन बी पे गया, तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन था ए से लेकर बी तक। तो ये डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड साथ में जब आप डायरेक्शन भी मेजर करते हैं, मेंशन करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसमें डिस्टेंस भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बोलूँगा डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, साथ में आप डायरेक्शन भी मेजर करते हैं, कोई विशिष्ट डायरेक्शन देते हैं, दैट वुड कॉल दैट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं होता है, डिस्टेंस होता है कवर्ड और साथ में डायरेक्शन ऑफ मोशन भी होता है अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन है तब। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, देखिए ना डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट, पर डायरेक्शन पर्टिकुलर होनी चाहिए। जैसे आपका बच्चा ए से निकला और एक ही डायरेक्शन में गया ए टू बी, ऐसा नहीं वो इधर उधर गया, एक ही डायरेक्शन में गया हुआ है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस भी होता है और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, और डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं सिर्फ, अभी जो बोला था लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड कॉल्ड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय यूजिंग मीटर स्केल, आप उसको मेजर करते हैं। डायरेक्शन आपको मेजर नहीं करते आती है, डायरेक्शन सिर्फ आप एक्सपीरियंस करते हैं किधर गया, लेफ्ट गया, राइट गया, अप गया, डाउन गया, मेजर करते क्या डायरेक्शन, नॉट दैट। तो ये डिस्टेंस जो मेजर करते हैं वो मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, और ये डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और आपको पता होगा फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट कॉल्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमको बताओ डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, मेजर करना है, तो आप डिस्टेंस ही मेजर करोगे, डायरेक्शन तो मेजर नहीं करते हैं। और डिस्टेंस काय में मेजर करते हैं, तो उसके यूनिट आते हैं मीटर और CGS यूनिट आते हैं सेंटीमीटर, बाकी और भी तो यूनिट है, पर SI यूनिट मीटर और CGS यूनिट सेंटीमीटर, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस ध्यान में आया होगा, डिस्टेंस प्योरली मैग्नीट्यूड होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होता है, कांस्टेंट होता है। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कुछ बातें करते हैं। मेरा कोई ऑब्जेक्ट होगा पोजीशन ए से निकला पोजीशन बी तक गया और ये लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड उसका 10 मीटर था, तो बताइएगा डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ होगा, 10 मीटर एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पूछा तो वेक्टर क्वांटिटी होती है,
तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट 10 मीटर ही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसके साथ डायरेक्शन भी है किधर से किधर, ए टू पी। तो ये डिस्टेंस विथ डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होता है। पर ध्यान में रखो, डिस्टेंस विथ डायरेक्शन अगर बोलते हैं तो डायरेक्शन आपका पर्टिकुलर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस 10 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड 10 मीटर है। अब बात करते हैं, आपका ऑब्जेक्ट पहले पोजीशन ए पे था, पोजीशन बी पे गया 10 मीटर, बाद में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गया होगा पोजीशन सी पे और ये डिस्टेंस कवर्ड हुआ होगा 10 मीटर, या फिर एग्जांपल चेंज कर दो, ये होगा 4 मीटर और ये होगा सपोज 3 मीटर। अब बताओ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसकी बात करा, डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ए डिस्टेंस कवर्ड। कितना होगा लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड? यहाँ से यहाँ तक गया, इस पाथ का लेंथ 4 मीटर है और इस पाथ का लेंथ 3 मीटर है, तो डिस्टेंस कवर्ड होगा 4 + 3, दैट्स इक्वल टू 7 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं आप एस और साथ में लिखते हैं बार, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और बोला था डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई स्पेशल डायरेक्शन होना चाहिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। अब तो आपका ऑब्जेक्ट ए टू बी गया 4 मीटर और बाद में बी टू सी गया, बताओ एक ही डायरेक्शन है क्या? नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है बेटे। एट दैट टाइम आपका डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, बोलना तो ऐसा चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजिशन फ्रॉम इनिशियल। तो ये फाइनल पोजिशन था और ये इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे चला गया, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतना होता है किसका, फाइनल पोजिशन का, कहाँ से, इनिशियल पोजिशन, और ये होता है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो पाइथागोरस रूल अप्लाई करो, क्योंकि मैंने बोला परपेंडिकुलर डायरेक्शन था, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड, सबको पता है, तो ये होगा 4² + 3² दैट्स इक्वल टू 16 + 9 रूट ऑफ 25, 5 मीटर आता है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5 मीटर हो गया। और ये 5 मीटर आपने मेजर किया, मैग्नीट्यूड है, और उसका डायरेक्शन बोला, तो इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन बोलोगे, अर्थात ए टू से, समझा? तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ध्यान में रखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजिशन फ्रॉम द इनिशियल इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, पर उसका मैग्नीट्यूड आप लिखते हैं। ध्यान में आया होगा स्टूडेंट, व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस कवर्ड एंड व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजिशन फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपका ऑब्जेक्ट इनिशियली पोजिशन ए पे था, पोजिशन बी पे गया होगा और डिस्टेंस कवर्ड या दिस लेंथ ऑफ पाथ इक्वल टू 10 मीटर होगा, बाद में बी से निकला सी पे गया और लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल इक्वल टू 5 मीटर होगा, बाद में सी से निकला और इस डायरेक्शन पे डी पे आया, अगेन डिस्टेंस कवर इक्वल टू 10 मीटर था लेंथ ऑफ पाथ, और फाइनली ए पे आ गया और लेंथ ऑफ पाथ कवर इक्वल टू 5 मीटर था, मतलब ए से निकला और वापस ए पे आ गया अलॉन्ग दिस पाथ। बता सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड यस इक्वल टू
डिस्टेंस का डेफिनेशन होता है एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। तो ऐसे निकला ए टू बी 10 मीटर, बी टू सी 5 मीटर, सी टू डी 10 मीटर, बाद में डी टू ए वापस इस पाथ पे आया। और लेंथ मेजर करना है बाय द मीटर स्केल, 10 मीटर 5 मीटर, 10 मीटर 5 मीटर, तो इन ऑल कितना हुआ बेटा 10 प्लस 5 15, 25 5 30 मीटर। तो 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 दैट्स इक्वल टू 30 मीटर। ये हो गया बेटा डिस्टेंस कवर। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो मैंने दो केसेस बोली थी, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर मेरे ऑब्जेक्ट के मोशन का एक डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन सरी का चेंज हो रहा है। समझे, समझो पहले ईस्ट गया, बाद में नॉर्थ गया, वेस्ट गया, साउथ गया। तो इस केस में आप डेफिनेशन अप्लाई करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजिशन फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। तो पहले वो कहाँ से निकला था, ए से, तो इनिशियल पोजिशन कौन सा था, ए, और फाइनली वापस कहाँ पे आ गया, ए पे, तो फाइनल पोजिशन भी ए पे है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजिशन फ्रॉम इनिशियल, वहाँ का ऑब्जेक्ट वहाँ पे आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा, जीरो। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो मीटर आता है, ध्यान रखो। तो मैंने अभी बोला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब एक ही डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, समझो ऑब्जेक्ट ऐसे निकला बी पे गया, तो डिस्टेंस होगा 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका सेम आता है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, पर जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, जैसा ऑब्जेक्ट 4 मीटर गया और यहाँ पे 3 मीटर गया, ए से निकला बी पे गया सी पे आया, डिस्टेंस बोला तो कितना होगा 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट बोला तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया था 5 मीटर। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है। तो ध्यान में रखो डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला मैंने, डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जब डायरेक्शन ऑफ मोशन एक ही होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। और जब डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंज होता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है ड्यूरिंग द मोशन, द डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है। अर्थात जब डायरेक्शन ऑफ मोशन स्पेसिफिक नहीं होता है तब। तो आप शॉर्ट में लिखोगे कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल कब होते हैं, जब स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है तब। और जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है तो एट दैट टाइम डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट आता है। तो हम जनरली बोलते हैं डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ध्यान में रखो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें तो हो चुकी है, कोई एग्जांपल करते हैं। मेरा कोई ऑब्जेक्ट था, पोजीशन ए पे था, और कुछ टाइम लेने के बाद पोजीशन बी पे चला गया, और डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 10 मीटर था। बाद में बी से वापस आता है उसी पाथ पे और पोजीशन सी पे आके रुकता है, और इतना डिस्टेंस होता है 5 मीटर। समझे, पहले ए टू बी गया और बाद में बी से वापस आया ए पे, ऐसे। तो इस केस में हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी बातें बतानी है, ध्यान में आया। पहले आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे था, पोजीशन बी पे गया, वापस पोजीशन सी पे आया उसी पाथ पे। तो डिस्टेंस की बात करें तो आपको पता है एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, तो पहले वो ए टू बी गया कितने मीटर गया 10 मीटर, और बी टू सी वापस आया कितना मीटर 5 मीटर। तो इन ऑल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ 10 प्लस 5 दैट्स 15 मीटर। एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल, जिस पाथ पे चला उसके पीछे पीछे आप मीटर स्केल लेके मेजर करते चलो लेंथ ऑफ पाथ, तो 10 मीटर फॉरवर्ड और 5 मीटर बैक, 10 प्लस 5 दैट्स इक्वल टू 15 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, दो डेफिनेशन थी,
डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो यहाँ पे तो हमारे मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले फॉरवर्ड था और बाद में बैकवर्ड। तो इस केस में वो डेफिनेशन अप्लाई करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजिशन फ्रॉम इनिशियल। तो इनिशियली ए पे था और फाइनली वो वापस कहाँ पे आया, सी पे। तो इन दोनों के बीच में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ ये डिस्टेंस था 10, ये वापस 5 आया, तो 10 माइनस 5 कितना बचा, 5 मीटर। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 5 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है 5 मीटर, कोई प्रॉब्लम, गुड। बात करते हैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल होता है, कोई सर्किल है, सेंटर ऑफ सर्कल होगा और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर इक्वल टू, सपोज आर ही होगा यूनिट्स, एक तो मीटर में होगा रेडियस या फिर सेंटीमीटर में होगा। और मेरा ऑब्जेक्ट इनिशियली पोजीशन ए पे था, कुछ टाइम टी में वो पोजीशन बी पे आ गया इस पाथ पे, बाद में सी पे जाता है, बाद में डी पे जाता है और वापस ए पे आता है। हमको बोला जब वो ए टू बी पाथ कवर करता है तो आपको डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। अब मैंने बोला सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इस पाथ पे चल रहा है कि नहीं, और टोटल लेंथ ऑफ पाथ मतलब सर्कमफेरेंस है, और सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कितना आता है, 2πr यूनिट्स। अब आपका ऑब्जेक्ट ए टू बी गया, सिर्फ इतना ही पाथ हुआ ए टू बी, और पाथ ए पी पे डिस्टेंस मतलब एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल इस पाथ पे चला है ए टू बी, और लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल एक्चुअली क्वार्टर ऑफ ए सर्कल है, पूरे सर्कमफेरेंस का लेंथ 2πr होता है, तो क्वार्टर पाथ कितना होगा, 2πr/4 मतलब πr/2। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड होगा πr/2 यूनिट्स। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो बताओ यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट ए से निकला तो इधर था, यहाँ पे आया तो इधर जा रहा है, यहाँ पे आया तो इधर जा रहा है, यहाँ पे बोला तो इधर जा रहा है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है क्या, नहीं है, शरीर का चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा डेफिनेशन अप्लाई करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजिशन फ्रॉम इनिशियल। तो ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजिशन फ्रॉम इनिशियल, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हैं, हम सबको पता है डायमीटर्स ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये आर है, ये आर है, तो ये कितना आएगा, रूट ऑफ 2 times r बाय पाइथागोरस रूल, हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड, दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ 2 times r² मतलब रूट ऑफ 2 times r। तो यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस आ रहा है रूट ऑफ 2 times r यूनिट्स, कोई प्रॉब्लम। अब चलो आपका ऑब्जेक्ट अब पोजीशन ए टू सी आया, और इस केस में हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, कौन से पाथ का, ए टू सी। तो बताओ ना आपका ऑब्जेक्ट ए से निकला और वापस कहाँ पे आया, सी पे, और हमको डिस्टेंस पूछा, तो एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बताओगे कितना होगा, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड तो हाफ ऑफ सरकमफेरेंस है, हाफ ऑफ सरकमफेरेंस 2πr है, तो हाफ ऑफ सरकमफेरेंस इक्वल टू कितना आएगा बेटा, πr यूनिट्स। और इस केस में हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा ए से लेकर सी तक, तो हमको बताओ डायरेक्शन यहाँ पे इधर था, यहाँ पे इधर था, यहाँ पे इधर होगा मोशन का, तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। और जब स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है और आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजीशन फ्रॉम इनिशियल। तो फाइनली आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, सी पे, इनिशियली कहाँ पे था, ए पे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, अर्थात पाथ ये था पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू सी होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजिशन फ्रॉम इनिशियल।
और हमको पता है ये लेंथ ऑफ डायमीटर होगा आर प्लस आर डैट्स इक्वल टू कितना होगा बेटा 2r यूनिट्स, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब रही बात, हमको पूछा कि जब आपका ऑब्जेक्ट ए से निकलता है और पोजीशन डी पे आता है एट दैट टाइम हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स बताने हैं, बता सकते हैं? गुड। जब वो ए टू डी आ गया तो एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड मतलब डिस्टेंस होता है पाई आर बाय टू प्लस पाई आर बाय टू प्लस पाई आर बाय टू, तो ये होगा थ्री टाइम्स पाई आर बाय टू यूनिट्स। और आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा तो हमको मालूम है जब उसका मोशन हो रहा है तो डायरेक्शन सरी का चेंज हो रहा है कि नहीं, तो फिर डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजीशन फ्रॉम इनिशियल मेजर करो जो इतना ही आता है रूट ऑफ टू टाइम्स ऑफ आर यूनिट, ये होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। कोई प्रॉब्लम? और फिर हमको लास्टली पूछा जब पूरा सर्कमफेरेंस कंप्लीट करता है ए से निकलता है और वापस ए पे आता है तो एट दैट टाइम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पूछा। और जब वो ए से निकला और वापस ए पे आया तो एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल कितना होना चाहिए, तो पूरा सर्कमफेरेंस मतलब डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू कितना होना चाहिए, टू पाई आर यूनिट्स। और डिस्प्लेसमेंट पूछा तो हमको पता है डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द मोशन, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजिशन फ्रॉम इनिशियल, तो निकला भी वहाँ से था और फाइनली वहाँ पे जा गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जीरो यूनिट्स। समझे? तो ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का केस। कल के लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट। ऑल द बेस्ट।